अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जिनका मत हो तो हम लोग एक चल सका हो फिर भी उसके पास कार्रवाई क्या हुआ और फिर उसके बाद दोबारा यह घटना कर दिया। पुराना मामला बता रहे हैं, उसमें पुलिस के द्वारा SC/ST का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, SCO साहब के द्वारा विवेचना की गई थी और जो मुख्य अभियुक्त जिसका नाम इसमें बताया जा रहा है उसको जेल भी भेजा गया था। वो जेल से मेरे ख्याल से जमानत पे आए होंगे। इसको हम तस्दीक कर रहे हैं कि कितना पुराना मुकदमा है। कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि 4 साल पुराना है, कुछ लोगों के द्वारा बताया गया 1 साल पुराना मुकदमा है। ये सारी सूचनाएँ तस्दीक की जा रही है और क्या आपराधिक इतिहास है, इसके साथ कौन कौन लोग थे, किससे बातचीत हुई है घटना के टाइम पर, उन सभी को प्रकाश में लाकर और जो नामजद अभियुक्त होंगे पूरा घटना को बहुत कायदे से वर्कआउट करके सभी को जेल भेजा जाएगा। थैंक यू। 12 बजे सूचना मिली थी 100 नंबर के माध्यम से कि गांव सलपुर में प्रधान जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंची, वर्तमान प्रधान है गाँव, उनका गोली मारकर मर्डर किया गया है। परिजनों से बातचीत की गई है। यहाँ पे जो कुखरा है मत्स्य पालन को लेकर उसमें कुछ बातचीत के बाद प्रकाश में आई, कुछ लोगों का नाम लिया गया। पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया गया कि जितने भी लोग इस घटना में शामिल हैं सबको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और परिजनों को बताया गया है कि तहरीर दें जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिस भी तरीके से शामिल है सबको अतिशीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कितनी गोली मारी गई है सर? ठीक, कितनी गोली मारी? ये तो पोस्टमार्टम से स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन बॉडी देख के क्लियर है कि 2-3 से ज़्यादा गोली जरूर लगी। सर ये इसके पहले 8 महीने पहले प्रधान से और उस व्यक्ति